चलिए एक और निमसेट के टॉपर से मिलते हैं, जिसकी रैंक है ऑल इंडिया 171, पवन कुमार से, जो कि हजारीबाग झारखंड से हैं। तो हाँ, सबसे पहले पवन, आपको 171 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो पवन, आप अपनी जो सक्सेस इंटायर जर्नी वो बताएं। इनफैक्ट आपने ड्रॉप लेके इस साल प्रिपरेशन किया है ना, और किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन की, किस तरह से आपने मटेरियल को सॉल्व किया, किस तरह से टेस्ट पेपर को सॉल्व किया, क्या क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में चेंजिंग थी, वो सब बताओ। सर ये लास्ट ईयर भी हम प्रिपरेशन किए थे, मगर थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, दिसंबर में ये आपका कोर्स ज्वाइन किए थे, 1400 कुछ रैंक आया। उसके बाद सर जब पेपर देखे तो हमको लगा कि अच्छा आ सकता था, काफ़ी ओके, अच्छा आ सकता था। तो फिर वापस से कोशिश किए और अच्छा गया। इस यूटी में सर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो एक्यूरेसी पे फिर ध्यान दिए तो इस बार अच्छा आ गया निम्चित में। तो पवन लगभग आप 1400 रैंक से 171 रैंक पे आए, क्योंकि पिछले साल आपने लेट स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, टाइम कम मिला, पर 1400 रैंक ने कहीं ना कहीं आपको बूस्टअप किया, मोटिवेट किया, ये अच्छी बात है। तो बहुत ही खुशी की बात है ये। और अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये तो आपने एक चीज बताई, आपने जब ड्रॉप लेने का मन बनाया तो कोई ड्रॉप को लेके दिमाग में कोई शंका थी, प्रेशर था, और या पूरे ईयर आपने क्या फील किया? सब प्रेशर नहीं था, ये क्या कहते हैं, प्लान था कि लास्ट टाइम जो गलती किए थे वो इस बार नहीं करना है। लास्ट टाइम हम सर रिविजन नहीं कर पाए थे, टेस्ट एनालिसिस हम देखे मगर अपने से एनालाइज नहीं किए थे, तो वो सब इस बार अच्छे से किए, मजा ही आया। कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बस सीयूईटी का रिजल्ट के दिन थोड़ा हुआ कि बैकअप नहीं रहा अच्छा, तो मैं ठीक हो गया। उसके बाद भी मोटिवेटेड थे आप, तो हमेशा सेशन लेते ही थे जिसके वजह से दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलो, तो अच्छी बात है पवन कुमार। अच्छा पवन, ये बताओ मुझे कि आपने अपनी जो पढ़ाई की थी, जब टेस्ट पेपर देते थे, और टेस्ट में क्योंकि इम्पीटस ने तो हर लेवल का टेस्ट लिया, सिंपल, टफ, हाँ मीडियम, तो टेस्ट में जब स्कोर अप डाउन होते थे तो उसको कैसे मैनेज करते थे, और पेपर का एनालिसिस कैसे करते थे? जब टेस्ट आता था तो तब ठीक था, मतलब ये एनालिसिस करते थे मगर थोड़ा सा अच्छा लगता था, मगर जब खराब या कभी गलत कुछ ज्यादा हो गया तो ऐसा एनालिसिस तब तो बहुत अच्छा से करते थे, मतलब 3 4 घंटा 5 घंटा जितना लग जाए मगर अच्छे से करना है, और गलती से सीखते थे कैसे क्या करना चाहिए। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में आपने सिचुएशन को, पेपर को देख के किस तरह से अपने आप को हैंडल किया? सर हॉल में तो सर पता भी नहीं चला सर कब निकल गया वैसे तो, मगर 20 मिनट में मेरा शायद 18 क्वेश्चन हो गया था मैथ का जो ठीक सिंपल है, था। ठीक है, उसके बाद आराम से हम बनाए तो सब कुछ वैसा हुआ नहीं सर, ऐसा लगा जैसे कि मौक ही दे रहे, दिक्कत था नहीं वही ज्यादा। वही फील आया जो मौक का फील आता है आपको, हाँ इनफैक्ट। चलो, ये अच्छी बात है। अच्छा पवन, आप जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे अपने? सर यही कि क्या कहते हैं, एक तो एनालाइज करना चाहिए पेपर अच्छे से और रिवीजन भी करना चाहिए, ताकि भूले ना। थ्योरी अच्छा रखना चाहिए, इस बार तो बेसिक्स अच्छा होना चाहिए था, बेसिक्स था अच्छा, ये सब ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने पवन। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप भोपाल अवार्ड सेरेमनी में मिलेंगे ही, और 2-3 दिन भोपाल रहने का प्लान भी है, बहुत ही खुशी की बात है। तो अब हम उस समय को फिर देखते हैं, और अब आप ऐसे ही आगे बढ़ो। काउंसलिंग प्रोसेस आपने अप्लाई कर ही दिया है, तो बहुत जल्दी थैंक आपको एक टॉप एनआईटी मिल भी जाएगा। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। यू सर।